नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गुजरात राज्य में स्थित जामनगर ज़िला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, जामनगर ज़िला, यह ज़िला भारत देश के गुजरात राज्य में स्थित गुजरात के कुल 33 ज़िलों में से एक जामनगर ज़िला के नाम से जाना जाता है। जामनगर ज़िला भारत देश के पश्चिम भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस ज़िले की सीमा अरब सागर से मिलती है। जामनगर ज़िला के पड़ोसी ज़िले का नाम मोरबी ज़िला, देवभूमि ज़िला, पोरबंदर ज़िला और राजकोट ज़िला है। जामनगर ज़िला में 6 तहसील, 10 कॉलेज, 5 बिजली घर, 5 मुख्य अस्पताल, 5 नगर पालिका और 3 NGOs शामिल है। क्षेत्रफल की बात करें तो गुजरात राज्य के जामनगर ज़िले का कुल क्षेत्रफल 14,184 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो जामनगर ज़िला की कुल आबादी 21,60,170 है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 11,14,192 और महिला की कुल आबादी 10,45,927 है। जामनगर ज़िले का औसत लिंगानुपात 938 के करीब है, यानी कि जामनगर ज़िला में 1,000 पुरुष पर 938 महिला हैं। जामनगर ज़िला की मुख्य नदी का नाम रंगमती नदी है। रंगमती नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 326 किलोमीटर, मुंबई से 793 किलोमीटर, राजस्थान की राजधानी जयपुर से 928 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1195 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। जामनगर ज़िले का वाहन पंजीकरण संख्या GJ10 है। यहाँ पर 87% लोग गुजराती बोलते हैं। इसके अलावा हिंदी, सिंधी, संस्कृत और कुची भी बोला जाता है। सड़क रास्ते की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे सड़क हैं जिसके माध्यम से गुजरात के बड़े बड़े शहरों में जाया जा सकता है। वैसे इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या तो नहीं गुजरती है, लेकिन स्टेट हाईवे संख्या 6, स्टेट हाईवे संख्या 26 और स्टेट हाईवे संख्या 27 गुजरती है, जो आगे चलकर बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी ज़िला और ज़िला के छोटे बड़े गाँवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो जामनगर ज़िला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम जामनगर रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में 3 प्लेटफॉर्म और 4 पटरी शामिल है और इसका स्टेशन कोड जैम है, यानी कि JAM है। और जामनगर रेलवे स्टेशन की स्थापना 1897 में हुई थी और यह रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे जोन के राजकोट डिवीजन के अंतर्गत आता है। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहाँ के वासी अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: श्री MP शाह गवर्नमेंट कॉलेज, VM मेहता आर्ट कॉमर्स कॉलेज, DKV कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, नेशनल कंप्यूटर कॉलेज, GH गोसरानी कॉमर्स कॉलेज, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, सिद्धि विनायक कॉलेज, ये सभी इसी ज़िला में मौजूद हैं, जो कि यहाँ के बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। अस्पताल की बात करें तो जामनगर ज़िला के मुख्य अस्पतालों में शुमार सुरुधा हॉस्पिटल, ओसवाल हॉस्पिटल, गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल, इसीस हॉस्पिटल,
श्री द्वारिका हॉस्पिटल, कृष्णा हॉस्पिटल, माधव हॉस्पिटल, रूपालिया हॉस्पिटल आदि शामिल है। पर्यटन स्थल की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहां पर लोग घूमकर आनंद उठा सकते हैं। अरब सागर के किनारे पर बसा यह ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। यहां के पर्यटन स्थल में शुमार रेनमल, लोखोटा झील, मरीन नेशनल पार्क, अर्चेलिनी जिक म्यूजिक एवं जामा मस्जिद, खिजाड़िया वर्ल्ड सेंचुरी, सोलारियम, नागनाथ मंदिर। जामनगर ज़िला को छोटी काशी नाम से भी जाना जाता है। ये जितने भी नाम हम आपको बताए ये सभी जामनगर ज़िला के पर्यटक स्थल हैं। दोस्तों, जामनगर ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियोस पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।